अब तक आपने देखा रत्नाकर द्वारा घोषित प्रतियोगिता की वजह से शिरडी में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। साईं की लाख कोशिशों के बावजूद भी लोगों के सर से धार में गुणमान नहीं उतर पाता। इसी दौरान साईं को चमत्कारिक रूप से रत्नाकर की सच्चाई पता चल जाती है। साईं सारे गांव वालों के सामने रत्नाकर का पर्दाफाश करते हैं। साईं संदेश देते हैं, सबका मालिक एक। इधर हरिभाव गाँव में हुए उपद्रव का कारण खुद को मानते हुए स्वयं को कमरे में बंद कर लेता है। अब आगे जी, चारों तरफ शांति है, शांति है। लगता है दंगे बंद हो गए। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहां गए सबके सब? लगता है सरकार की तरह सारे गांव वाले भी शिरडी छोड़कर भाग गए। सबके सब मतलब हम दोनों ही बचे शिरडी में। अगर ऐसा है तो हमारे लिए अच्छा ही है अंता जी। मैं तो ये सोचकर डर रहा था कि सरकार के भाग जाने के बाद कहीं गांव वाले हमें ना पीट दे, लेकिन अब तो हम यहाँ के राजा है राजा। हाँ बंता जी, पूरी शिरडी में हम ही दो शेर हैं जो डर के नहीं भागे। चलिए अंता जी, चलिए। अंता जी, सारा सपना चूर चूर कर दिया इन्होंने। बंता जी भागिए यहाँ से, अगर गांव वालों ने पकड़ लिया तो हमारी हड्डियों का चूर चूर कर देंगे। हाँ अंता जी भागिए। जी, ये लोग तो कहीं और जा रहे और हम बेवजह डर रहे थे। लेकिन इतना जल्दी जल्दी में ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चलिए चलकर पता करते हैं। दरवाजा खोलो हरी भाव। हरी, अरे दरवाजा खोलो हरी भाव। हरी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हरी भाव दरवाजा खोल, दरवाजा खोलो हरी भाव, खोलो ना दरवाजा। हरी मुझे बहुत डर लग रहा है अगर इन्होंने कुछ। नहीं नहीं, मेरा दोस्त भूसदिल नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। हरी दरवाजा खोल, हरी दरवाजा खोल। हरी भाव, ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। क्यों इतना दुखी हो, क्यों इतना रो रहे हो?
शिरडी में जो कुछ भी हुआ है बस मेरे कारण हुआ है साईं। रत्नाकर की बातों में आकर सबसे पहले मैंने ही मुसलमान मजदूरों को काम से निकाल दिया साईं। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने और इसी की वजह से गांव में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो गए साईं, एक दूसरे से लड़ने लगे, दंगा फसाद हुआ, खून खराबा हुआ साईं, सब मेरे कारण हुआ साईं, मुझे माफ कर दो साईं, मुझे माफ कर दीजिए साईं। हरि भाऊ, जो कुछ भी हुआ है उसमें आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, सभी ने बराबर की गलती की है। अगर तुम रत्नाकर राव की बात नहीं भी मानते तो वो किसी और को अपना मोहरा बना लेता। पश्चाताप यही है कि अपनी गलती से सीख लो और आगे बढ़ जाओ। हरि भाऊ, तुम्हें मेरी कसम, दरवाजा खोलो। हरि भाऊ, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता है यहाँ पे। मुझे एहसास है कि तुम पर क्या बीत रही है। हरि भाऊ, हमें इस गलती से सीख लेनी चाहिए और पछतावा, शर्मिंदगी, अपराध बोध, इन सब को छोड़कर हमें आने वाली खुशियों की ओर देखना चाहिए। और हमें तो अभी वैसे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। तैयारियां साईं? कैसी तैयारियां? क्यों, भूल गए? निकाह जो है हमारे गांव में। क्या हुआ सुल्तान? सही, असलम के निकाह को लेके मैंने बहुत ख्वाब देखे थे। इकलौती औलाद है ना, मैंने सोचा था उसकी शादी मैं धूम धमाके के साथ करूंगा, उसके लिए एक नया कमरा बनाऊंगा। कमरा तो दूर, यहाँ तो दंगे के वजह से अपना घर ही बर्बाद हो गया। अब सोचता हूं शादी की तारीख एक साल के लिए आगे बढ़वा दूं। आगे? शादी की तारीख आगे क्यों बढ़ानी है? मुझे तो लगता है निकाह और पहले होना चाहिए। शिरडी में इस बिगड़े हुए माहौल को अच्छा करने के लिए एक जश्न की जरूरत है, और जश्न मनाने के लिए असलम के निकाह से बेहतर मौका और कौन सा हो सकता है? मिलजुल कर काम करने का, खुश होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन साईं, ये कैसे मुमकिन है? सुल्तान, क्यों मुमकिन नहीं है? शादी की तैयारियां वैसी ही होगी जैसे साईं कह रहे हैं, और असलम के शादी की तैयारियां हम सब मिलकर करेंगे। अगर शिरडी के हर घर से मुट्ठी पर अनाज आ जाए ना, तो शानदार दावत होगी। और रही बात तुम्हारे घर के मरम्मत की, तो हम सब है ना, हम सब मिलकर तुम्हारे घर की मरम्मत करेंगे, और तुम्हारा घर जो है ना वो पहले से सुंदर बनाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ हरि भाऊ, अगर हम सब साथ हो तो सुल्तान भाई के घर की मरम्मत के साथ असलम के लिए नया कमरा भी बना देंगे। और हाँ, असलम के निकाह के सारे कपड़े हम बनाएंगे, और दूल्हा दुल्हन की लिबास तो मैं खुद अपने हाथ से सीऊंगी। हाँ,
मैं और मरियम बहनी मिलकर के सजावट का काम संभाल लेंगे। और रही बात मेहमान के स्वागत सत्कार की, तो वो जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं अभी जाकर लड़की वालों को इत्तला कर देता हूँ कि वो निकाह के लिए फौरन शिरडी आ जाएं, और उनसे ये भी कहूंगा कि वो बिल्कुल फिक्र ना करें, निकाह की सारी तैयारियां हम खुद कर लेंगे। और अब बची बात खाने की, तो मेहमानों के लिए खाना मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगा, निकाह चावड़ी में और दावत द्वारका माई में होगी। आप सबका एहसान मैं कैसे अदा करूंगा? सुल्तान, एहसान? अरे एहसान तो गैरों पर होता है, अपनों पर नहीं। और ये तो अपना परिवार है, और परिवार में एहसान कैसा? नहीं सुल्तान, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस शादी की तैयारियां करो। तुम देखना, शिरडी वासी हमेशा इस शादी को याद रखेंगे। शादी? शादी में तो स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते हैं। हाँ हाँ, मेरे मुंह से तो अभी से पानी आने लग गया। लेकिन लेकिन ये हमें क्यों बुलाने लगे? वो तो है अंता जी, एक तो सरकार भी नहीं है यहाँ, मतलब हमें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ सरकार के आने तक हम गांव वालों से हाथ मिला लेते हैं, लेकिन लेकिन अगर सरकार को पता चल गया तो वो तो हमें जिंदा चबा जाएंगे। पंता जी, सरकार को कैसे पता चलेगा? वो देखने आ रहे हैं क्या? और वैसे भी तब का तब देखा जाएगा। आप सही कह रहे थे, हमें इनसे हाथ मिला लेना चाहिए, नहीं तो शादी की दावत हमारे नसीब में नहीं होगी। खुशी से फूले रही तुम्हारे बरखुदा, जरा सांस से अंदर खींच लो। अरे चाची, सब्र करो, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। क्या चाची, आप भी टांग खींच रही हो? अरे तू क्यों लेके आया? मैं लेके आने वाला था ना। अब मैं लेके आया ना, कोई बात नहीं, ला मैं रख देता हूँ। नहीं नहीं, मैं रख देता हूँ। ला चलो ठीक है। देखा, शिरडी में तो बस ऐसी ही लड़ाई अच्छी लगती है। सही कह रही हूँ मरियम बहनी। अरे भाई, ये बहुत भारी है, तुमसे नहीं उठाई जाएगी, मैं उठाता हूँ। भाई मैं उठाता हूँ। मत मत हारिए अंता जी, हम फिर से कोशिश करेंगे। हमारी मदद करने की भावना को देखकर उन्हें स्वीकार करना ही होगा कि हम उनके हितैषी हैं, उनके अपने हैं।
शादी का खाना तो खा कर ही रहेंगे हम। अंता जी चलिए। अंता जी उधर देखिए, वो अकेला है, वो तो हमारी मदद जरूर लेगा। ए भाई जरा नीचे से एक तोरण देना। हाँ हाँ ये लो। पंता जी ये गांव वाले तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमसे मदद लेना तो दूर, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। वक्त आने पर ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। लाइए हम करते। पंता जी कहीं ऐसा तो नहीं है दंगों में हम मर के भूत बन गए हो और हमारा ये शरीर शरीर ना होके एक भटकती आत्मा बन गई हो? तभी तभी तो ये गांव वाले हमें देख नहीं पा रहे हैं। हे भगवान ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम हमें देख सकते हो? बताइए अंता जी मतलब अभी हम जिंदा हैं? आपको भी। आप लोग यहाँ से हटने का कष्ट कर सकते हैं? क्यों यहाँ बीचों बीच खड़े हैं आप? हाँ हाँ हट जाते हैं, हम तो यहाँ आए थे आपकी मदद करने के लिए। हम दोनों मदद करने के लिए तैयार हैं। मदद? और वो भी आप लोग? हाँ हाँ अब जब पूरा गांव शादी की तैयारियों में जुटा है तो हम क्यों नहीं, हम भी तो उस गांव का हिस्सा है। अरे वाह मुझे तो आज पता चला कि आप लोग कितने मेहनती हैं। चलिए अब पता चल ही गया है तो मैं आप दोनों को एक जरूरी काम सौंपता। अब बता बता। आइए आइए ये दरवाजा देख रहे हैं आप, इससे सीधा बाहर निकल जाइए और दोबारा अंदर मत आइए। अब और बेइज्जती हजम नहीं होगी पंता जी। हजम? हजम तो अब इन लोगों को होने नहीं देंगे अंता जी। भाईजान मुबारक हो, लड़की वाले कल सुबह आ जाएंगे, उनके रहने का इंतजाम करना है। हाँ हाँ सब बंदोबस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। है भाभी जान, रेहाना मेहमान नवाजी के सारे इंतजाम कर लीजिए, उनकी खातिरदारी में कहीं कोई कमी ना रह जाए। हाँ हाँ जरूर। आज जो मेरे घर में ये खुशी का आलम है ये सब आपके नजरे करम के बदौलत ही मुमकिन हुआ। साई ये लीजिए, असलम भैया की शादी के लिए मैं भी कुछ अपनी तरफ से लाई हूँ। अरे संध्या सिर्फ एक काम लाई हो?
एक आम से क्या होगा? देखो कितने सारे लोग यहाँ पर, दावत भी बड़ी है। एक काम कर, ये आम जो है ना तू अकेले खा ले। ऐसे कैसे खा लूं? साई ने कहा था जिससे जो बन पड़े वो कर। साई कभी गलत नहीं कहता। मुझे अभी भी वो राम सेतु वाली कहानी याद है जो साई ने मुझे सुनाई थी। किसी बड़े काम के लिए छोटे से छोटे योगदान का भी अपना कुछ महत्व होता है। लक्ष्मी, बिल्कुल सही कहा तुमने। लाओ संध्या, ये आम मुझे दे दो। साई, वो कहानी मुझे भी सुनाई है ना, वो राम सीतु वाली कहानी। आओ यहाँ बैठो, तुम मेरे साथ तोरण बनाओ। तोरण बनाते हुए मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊंगी। किसी उपहार का मूल्यांकन उसके आकार, उसकी आकृति या कीमत के आधार पर करना चाहिए, या फिर देने वाले की मंशा, उसकी नीयत और उसकी भावनाओं के आधार पर। अल्लाह मालिक। लोगों के रोने की, चिल्लाने की, मातम मनाने की आवाजें क्यों नहीं आ रही है? ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने सेवैयां खा ली हो और सब के सब मर गए हों।